गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग प्रथम अध्याय को प्रारंभ किए थे। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। प्रथम अध्याय के अंतर्गत पिछले क्लास में हम तीन चुनौतियों को काफ़ी अच्छे से समझे थे। वो तीन चुनौतियाँ थी, एकता कायम करने की, लोकतंत्र कायम करने की और एक ऐसे विकास की जिससे सभी समाज का हो, ना कि कुछ तबकों का। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। इस पॉइंट से जो भी प्रश्न बने मैंने उसे भी बता दिया था, जैसे विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात किन समस्याओं ने सर उठाया, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग खास करके जो हमारा पॉइंट है विभाजन, आज हम लोग विभाजन को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का किस प्रकार विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विस्थापन और पुनर्वास। इसलिए आपके बुक में एक पॉइंट है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है, आज इस पॉइंट को प्यारे बच्चों हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे और इस पॉइंट से कौन से प्रश्न बनेंगे उसको भी काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, विभाजन ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह एक बच्चे मुझे कॉल किए थे और उन्होंने कहा कि सर, आप जिस प्रकार इतिहास में प्रथम अध्याय प्रारंभ किए हैं और अध्याय को पढ़ाने से पहले प्रथम अध्याय में आप क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, वो सारे पॉइंट आप पहले ही लिखा दिए, लेकिन पॉलिटिकल में आप इस प्रकार से नहीं लिखाएं, तो प्लीज़ सर, पॉलिटिकल साइंस में आप क्या क्या पढ़ाइएगा उस पॉइंट को आप पहले थोड़ा सा लिखा दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि प्रथम अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उसी बच्चे के रिक्वेस्ट पर मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग भी लिख लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस में प्रथम अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपका भी जो ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो सके। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक है, बिहार बोर्ड का ये बुक है। ठीक है, प्रथम अध्याय जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, मैं आपको पॉइंट भी लिख देता हूं, सॉरी शीर्षक भी मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, रेड मार्कर अच्छे से नहीं चलता इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। बहुत बच्चे का कंप्लेन था कि सर रेड कलर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला अध्याय जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हो गया आपका शीर्षक। ठीक है, इस शीर्षक को मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को काफी अच्छे से समझाया था। ठीक, इस शीर्षक के अंतर्गत, सॉरी इस अध्याय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है नए राष्ट्र की चुनौतियां। ठीक है, नए राष्ट्र की चुनौतियां। ठीक है, ये पॉइंट मैं काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझा दिया था और इसी पॉइंट में आपका निकलता है तीन चुनौतियां। ठीक है, इसे मैं यहां से लिख देता हूं, क्योंकि ये इसी पॉइंट का हिस्सा है इसलिए मैं लिख देता हूं तीन चुनौतियां। ठीक है, ये पॉइंट था और ये जो तीन चुनौतियां प्यारे बच्चों कौन कौन था, मैंने आपको ये भी लिख दिया था। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, मैंने एकता का मैंने लिखा था। ठीक है, पहला चुनौती काफी जो अच्छे से मैंने समझा दिया तो वो था एकता, एकता कायम करने की चुनौती, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। दूसरा लिख दीजिएगा लोकतंत्र
लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि सब लिख देंगे तो समय ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो था वो तीसरा चुनौती था ऐसे विकास की, मैंने लिखाया भी होगा, ऐसे विकास के जिससे समूचे, ठीक है, समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का, ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा ना कि कुछ तबकों का। तो इस पॉइंट को मैंने प्यारे बच्चों आप सभी को काफी अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस प्रकार से लिखना है कि हमको इतना पढ़ना है, ठीक है, इस पॉइंट के अंतर्गत ये पढ़ना, इस पॉइंट के अंतर्गत ये पढ़ना। दूसरा पॉइंट जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसी पॉइंट को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट तो मैं पढ़ा चुका, मैं बता चुका हूँ कि इस पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन, ठीक है, विभाजन बिंदु करके रहेगा, विस्थापन, विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को समझेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे विभाजन की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या थी, यानी विभाजन की प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे परिणाम, इसके परिणाम यानी विभाजन के क्या परिणाम हुए, मुख्य तौर पे इतना पढ़ना है। इसको जब पढ़ के समाप्त कर देंगे, इनमें से जो भी प्रश्न निकलेगा मैं उसको बता दूंगा। फिर इसको समाप्त करने के बाद हमें पढ़ना है रजवाड़ों का विलय, ठीक है, रजवाड़ों का विलय, इस पॉइंट को पढ़ना है। रजवाड़ों का विलय पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है राज्यों का पूर्ण गठन, क्या पढ़ना है, राज्यों का पूर्ण गठन। इतना पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमारा किताब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम आपको देखिए बताते हैं, तो पहले अध्याय में 1 2 3 4 चार पॉइंट को हमें पढ़ना है। प्रथम पॉइंट को पढ़ा दिए, प्रथम पॉइंट से हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा प्रश्न निकला था, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया था ये पिछले वीडियो में, एक प्रश्न। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात किन समस्याओं ने सर उठाया, ये प्रश्न पूछेगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया, तीन समस्या सर उठाए, 1 2 3, ठीक है। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तीसरा, मैंने इसको भी समझा दिया था। इसी प्रकार ये जो दूसरा जो पॉइंट है, इसको समझाने के बाद और भी प्रश्न निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, जैसे द्विरा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये इस पॉइंट से आपको निकलेगा, बीविया प्रश्न है ये भी आपको, ठीक है, इसी से आपको निकलेगा। शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे किया गया, ठीक है, इसी से निकलेगा। रजवाड़ों के विलय, इस पॉइंट से प्रश्न आपको निकलेगा, कौन सा निकलेगा, ठीक है, कि हाँ, इससे प्रश्न आपको निकलता है कि किन देशी रियासतों को भारत विलय में अन्य रजवाड़ों की तुलना काफी कठिन साबित हुई, उन चारों का, तो चार ऐसे देशी रजवाड़े थे जो भारत के विलय में काफी ज्यादा कठिन साबित हुआ था, तो आपको उसका नाम लिखना है कि कौन कौन से थे, इसी में लिखना है, इसी में आपको हम समझाएंगे कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, मणिपुर का कैसे हुआ, ठीक है, जूनागढ़ का कैसे हुआ, जम्मू कश्मीर का कैसे हुआ। तो ये जो जम्मू कश्मीर का जो भाग है, यह भाग आपको चल जाता है अध्याय 8 में, इसलिए पूरे डिटेल्स हम आपको अध्याय 8 में पढ़ाएंगे, ठीक है, ये रजवाड़ाओं का विलय, या फिर यदि आप लोग कहेंगे तो हम इसी पॉइंट में आपको पढ़ा देंगे, यानी इस पॉइंट से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, मणिपुर का कैसे हुआ, हैदराबाद का कैसे हुआ, जूनागढ़ का कैसे हुआ, इन चारों को हम आपको इस पॉइंट में बताएंगे। राज्यों का पूर्ण गठन, इसके आधार पर इसको हम समझाएंगे कि राज आयोग, ठीक है, राज पूर्ण गठन आयोग क्या है,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, आपने कई बार आयोग देखा होगा, कहीं अधिनियम देखा होगा, ये दोनों क्या है आपको मैं बताऊंगा कि पूरे भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना, ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन राज्य बना, ठीक है, किस प्रकार आंध्र प्रदेश की रचना हुई, किस प्रकार बॉम्बई का विभाजन होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बने, किस प्रकार पंजाब का विभाजन होकर के हरियाणा राज्य बने, ठीक है, तो जो भी विभाजन है हम लोग इस अध्याय में देखेंगे और समझाने के बाद समझाने के क्रम में बहुत सारा आपको प्रश्न भी निकलेंगे, तो मैं उन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो जितना पॉइंट है सब आपको एक एक क्लास का होगा, एक क्लास में ये पॉइंट समझा दिए, आज के क्लास में इसे हम पूरा समझा देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है बाबू ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। ये आज हम आपको विभाजन समझाएंगे, विस्थापन और पुनर्वास समझाएंगे, इसको समझाने के बाद जितने भी प्रश्न इस पॉइंट से बनेंगे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि बाबू ये प्रश्न बन रहा है, ये एग्जाम में आएगा, आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। उसके बाद यदि समय रहा तो हम आज आपको रजवाड़ों का विलय भी समझा दूंगा, नहीं रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये से बता दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास समझाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे सर्वप्रथम मैं मिटा देता हूं। आप लोग कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा कि मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में अध्याय एक में इतना पढ़ना है, इससे बाहर हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, और यहीं से पूरे प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ इसे भी मैं मिटा देता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा साइड में अच्छे से लिख देता हूँ, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ताकि मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बना सकूँ, ठीक है। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया, तो डायरेक्ट हम यहाँ शॉर्टकट में प्रक्रिया लिख देते हैं, विभाजन का परिणाम, हमें इतना हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस विभाजन को समझाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं वे अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट का, आपका जो पांच सब्जेक्ट है पूरे साल भर का, मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से पहले कोर्स को समाप्त किया जाएगा, समाप्त करने के बाद रिवीजन के तौर पे गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, वह गैस क्वेश्चन उस टाइम चार्जेबल होता है, सिर्फ क्वेश्चन 500 रुपये का पांच आपको बिकता है, आंसर के साथ 1000 रुपये हम लेते हैं, तो वह आपको फ्री में देंगे हम, ठीक है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स में तो आपको कॉल करना है, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है, हमारा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 61 50 45 52, इस नंबर पे कॉल करके आपको जान लेना है कि आपको पेड कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है। पूरे साल भर का पांचों विषय का 1500 रुपये, ये कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको 700 रुपये मिनिमम चार्ज लगेगा पर मंथ का, एडमिशन का बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसमें बच्चों को हम ग्रुप में भी जोड़ देते हैं ताकि बच्चे ऑनलाइन नहीं भी जाए करने, सॉरी ऑफलाइन नहीं भी जाए तो ऑनलाइन माध्यम से वो बहुत बच्चे से जुड़े रहें, बातचीत करें, जिससे प्रॉपर माहौल मिल सके। और वैसे भी लॉकडाउन आपका बढ़ गया है, आपको 6 फरवरी तक लॉकडाउन लग गया है, 6 फरवरी ये तो नाम का है, आगे भी आपको यह जारी रहेगा, लगभग जुलाई तक आराम से लॉकडाउन जाएगा, कहीं कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो यदि आप ऑफलाइन का सोच रहे हैं तो जुलाई के बाद ही वो होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों विभाजन को समझाने से पहले हम ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र मैं बना लेता हूं, क्योंकि पहले मानचित्र बनाएंगे फिर बंटवारा करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना देखने में, अभी मानचित्र मैं बना देता हूं, ठीक है। आज बहुत खराब मानचित्र बना है, बहुत खराब, इतना खराब उम्मीद नहीं की थी, आज बहुत ही
माना कि ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। अब ठीक है, अब इससे लग रहा है कि ये है हमारा भारत जब गुलाम था, कहते हैं प्यारे बच्चों गुलाम। अब जब गुलाम था यानी 1947 से पहले, 14-15 अगस्त मद्रासी से पहले का ये मानचित्र है जब हम लोग भारत और पाकिस्तान आपको एक था। इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजी में कहो तो इंडिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से प्यारे बच्चों? इंडिया के नाम से, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था, इंडिया उस टाइम कहलाता था, तो इस क्षेत्र में दो धर्म के लोग ज़्यादातर रहते थे, उसी का बोलबाला था, ठीक है। एक धर्म था हिंदू, यहाँ पर मैं पॉइंट बनाते हुए चलता हूँ, हिंदू, ठीक है। दूसरा धर्म था मुस्लिम, यानी हिंदू और मुस्लिम इस क्षेत्र में रहा करते थे। बड़ा प्रेम था, बड़ा क्या था, प्रेम था, भाईचारे काफ़ी सालों से बने हुए थे। मानो एक ही घर के छत के नीचे दोनों भाई रहते हैं, मिलजुल करके खाते हैं। अंग्रेज आया, अत्याचार किया, तो दोनों भाई मिलजुल के गए अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो दोनों भाई मिलजुल करके लड़े, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। हिंदू के तरफ से लड़ने के लिए धीरे धीरे पार्टी बनी कांग्रेस। क्या बनी? कांग्रेस पार्टी बनी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, खास करके कांग्रेस, ठीक है, जो 1885 में बना था। इनके संस्थापक एक ब्रिटिश आदमी थे, ठीक है, ए एम हुरुम नाम था, ठीक है। 1885 में लगभग बने थे, कांग्रेस पार्टी आपका बना था। तो हिंदू के पक्ष में ये था, जिसका सर्वे सर्वा आपको 1947 का टाइम कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, समझ गए। हिंदू के तरफ से कांग्रेस पार्टी, इसके सर्वे सर्वा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मुस्लिम के तरफ से जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था, यानी मुस्लिम समुदाय के तरफ से एक पार्टी था, उसका नाम था मुस्लिम लीग। इस नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, मुस्लिम लीग, जिसके सर्वे सर्वा यूं कहिए, जिनके नेतृत्व में चला जाता था मोहम्मद अली जिन्ना। तो अली जिन्ना मैं लिख देता हूँ, अली जिन्ना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का अगुवाई अली जिन्ना करता था, जबकि कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू उस टाइम आपको किया करते थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। और बापू तो बापू जी ही थे, महात्मा गांधी जी, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों भाई, सॉरी, हिंदी लिख दिए, हिंदू की जगह आप हिंदी लिख दिए, देखिए, ठीक है, हिंदू होगा ना यहाँ पे, हिंदू हो गया। और भी बहुत छोटे छोटे दल थे, ठीक है, लेकिन उन दलों में से मात्र दो ही दल का ज्यादा प्रभुत्व था, एक कांग्रेस पार्टी का और एक था आपका मुस्लिम लीग का पार्टी का, ठीक है। तो दोनों भाई साथ मिलके अंग्रेज से लड़े, अंग्रेज अंत में यह स्वीकार कर लिया कि अब हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो अंग्रेज ने यह घोषणा कर दी कि अब हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। अब जैसे ही घोषणा किया, ठीक है, तो हमको लगता है कि लगभग 1944 तक तो भारत आजाद हो ही जाता, मतलब घोषित हो जाता, ठीक है। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक था, धूर्त था, चालाक के साथ साथ क्या था, धूर्त भी था। उन्होंने दोनों भाइयों के, धूर्त इसलिए था कि दोनों भाइयों के बीच क्या डाल दिया, फूट डाल दिया, क्या डाल दिया, फूट। इस फूट के वजह से दोनों भाई क्या करने लगे, तो प्यारे बच्चों झगड़ा करने लगे। अब इस झगड़ा, यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया, इस झगड़ा का अनेक कारण था, सांप्रदायिक कारण था, ठीक है, लालच का कारण था, बहुत, जैसे अली जिन्ना लालचोट थे,
वे चाहते थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल चाहते थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बने। तो देश का प्रधानमंत्री में बड़े बड़े नेता का पोस्ट पाने में सबको ने चाहता है कि हम बड़ा बड़ा रहें, ठीक है। तो दोनों में मतभेद हो गया, दोनों पार्टी में तो मतभेद हुआ। इसी कारण, इसी मतभेद के कारण अंत अंत में मुस्लिम लीग की ओर से, ठीक है, मुस्लिम लीग की ओर से अली जिन्ना कहते हैं, कौन कहते हैं, अली जिन्ना, चूंकि मुस्लिम लीग का अगुवाई अली जिन्ना कर रहे थे, अली जिन्ना कहते हैं कि देखिए जवाहर बाबू, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कांग्रेस को वो कहते हैं कि भारत किसी एक कौम का नहीं है। कौम का मतलब प्यारे बच्चों होता है धर्म, ठीक है, कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि दो कौमों का है, वह कौम है हिंदू और मुसलमान, अर्थात मुस्लिम। इसलिए उस कौम के आधार पर हमें एक नया देश चाहिए, एक ऐसा देश जहां इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या बहुल है, अर्थात बहुत है। वह स्थान काफ़ी पवित्र है, क्या है, काफ़ी पवित्र। पवित्र को उर्दू में पाक बोला जाता है, अर्थात जहां मुस्लिम जो रहते हैं वह क्या, वह काफ़ी पाक है। और उसी धर्म के आधार पर, मुस्लिम धर्म के आधार पर हमें एक नया पाक देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, अर्थात पवित्र स्थल जहाँ, ठीक है। तो पाकिस्तान, तो अली जिन्ना ने क्या कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि दो कौमों का है। यह प्रतिपादित किया किस सिद्धांत के आधार पे, तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है द्वि राष्ट्र, यहाँ पर सारा पॉइंट लिख देते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं द्वि राष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, तो प्यारे बच्चों अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अली जिन्ना कहते हैं कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि दो कौमों का है। इसलिए कौम के आधार पर हमें एक नया देश चाहिए, अर्थात धर्म के आधार पर हमें एक नया देश चाहिए। जब तक देश का इस सिद्धांत के आधार पर, जब तक देश का विभाजन नहीं होगा, हम देश को आज़ाद घोषित करने नहीं, समझ गए। अब हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज ने कहा कि जाओ तुमको हम आज़ाद कर दिए, लेकिन दोनों भाई फरियाएंगे तब तो ना घोषित अंग्रेज करेगा ना इसको आज़ाद कर दिए। तो अली जिन्ना कहता है मुस्लिम लीग के तरफ से कि हम तभी घोषित करेंगे कि भारत आजाद हो गया जब तक आप देश का विभाजन नहीं करेंगे। तब आप कह दीजिएगा कि भारत आजाद हो गया, विभाजन नहीं हो, क्या पता कि बाद में कुछ पलट जाए, ठीक है, बाद में कुछ ऐसा हो जिससे देश का विभाजन ना हो। तो अली जिन्ना एकदम धर करके क्या किया, तो धर करके एकदम अपने जिद पर अडिग हो गया, अर गया कि नहीं, जब तक पहले विभाजन नहीं करोगे हम देश को आजाद होने के लिए नहीं देंगे। अब ये सबसे बड़ा जो समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या हो गया। अब जब तक देश का बंटवारा दो भागों में नहीं बटेगा तो भारत आजाद होगा, आजाद नहीं होगा। इसलिए आजादी का जो तिथि है वो तिथि बढ़ना क्या हो गया, तो पैर बच्चों बढ़ना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो प्यारे बच्चों समझ गए। अब यहां से एक आपको प्रश्न आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये लघु में पूछेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके जवाब देना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अली जिन्ना ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लघु में किस प्रकार से देना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि कितने कौमों का है, तो दो कौमों का है। और कौम के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान के क्या किया, तो मांग किया, ठीक है। अब यहां तक तो समझ गए, विभाजन घोषित हो गया, अब देश का बंटवारा
तय था, बंटवारा क्या था तो तय था। अब किस प्रकार से बंटवारा किया जाए यह बहुत बड़ा समस्या हो गया, इसलिए अब हम देखेंगे प्रक्रिया की, विभाजन की क्या प्रक्रिया रहे इसको देखेंगे। समझ गए विभाजन की। अंत अंत में विभाजन का जो प्रक्रिया निकला, वह प्रक्रिया निकला कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम अधिक हों, बहुल हों, वह क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा, जबकि शेष क्षेत्र भारत कहलाएगा। ठीक है, अर्थात जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग अधिक है वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक नया देश पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा, यानी उतना हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो जो क्षेत्र था, पहला क्षेत्र आपका हो गया, ये हो गया। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, ऐसे करके है ना, और उसके बाद ऐसे करके चल जाता, हाँ ऐसे करके, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे, इस जो हम रेड कलर से देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो दो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र आ जाता है पूर्वी, क्या आता है पूर्वी, पूर्वा लिख दिए पूर्वी, और ये क्षेत्र आता है पश्चिमी। ठीक है, अंत अंत में इस दोनों क्षेत्र में जो मुस्लिमों का जो संख्या था वो काफ़ी अत्यधिक था। इसके अलावा और भी ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम संख्या बहुत अत्यधिक थी, जैसे ये दिल्ली का दिल, भारत का दिल दिल्ली, दिल्ली के चारों पट्टी मुस्लिम लोग रहा करते थे, अभी भी है, जाइएगा तो पूरा गाजियाबाद देखिएगा मुस्लिम से है। ठीक है, हैदराबाद में पूरा मुस्लिम, जूनागढ़ साइड मुस्लिम, केरल साइड मुस्लिम, यानी कि जहां तहां और भी ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ऐसे ऐसे बहुत ऐसा ऐसा क्षेत्र था। अब इसमें प्रश्न चिन्ह लग गया कि इसका विभाजन कैसे हो। इसके अलावे ये जो क्षेत्र है, एक मिनट इसको और अच्छे से बेहतरीन समझा दे ब्लू पेन, हाँ देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ दुविधा जा करके फंस गया, ये ब्लू कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये और ये भाग ब्लू कलर से। ठीक, अब समय पर समय बीते जा रहा था, लेकिन समय जो सीमा है विभाजन का, सीमा वो तय नहीं हो सका। अंत अंत में इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया कि ये क्षेत्र आपको जहां तक रेड कलर का ड्रॉ है ये कहलाएगा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और ये कहलाएगा पश्चिमी पाकिस्तान, अर्थात यानी पाकिस्तान जो भारत का जो विभाजन हुआ उस विभाजन में पाकिस्तान को दो भाग मिला। कितना भाग मिला, दो भाग, एक ये भाग और दूसरा ये भाग। इस भाग को आज हम एक नया बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इसका कहानी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अंत अंत में ये दोनों जो भाग है, ये दोनों भाग पाकिस्तान के हिस्से में गए और पाकिस्तान एक नया देश बना। इस हिस्से पर काफी बहस हुआ, बस ये हुआ, अली जिन्ना बोलता था कि हम लोग गरीब आदमी हैं, इस दोनों भाग से लोग इधर सुधर कैसे जाएंगे, तो हमको बीच में वो रास्ता चाहिए, इस पर काफी ज्यादा विवाद था। तो ये इस पॉइंट को हम दूर करते हैं। ठीक है, अंत अंत में क्या हुआ कि पाकिस्तान को दो भाग मिला, एक ये भाग मिला, एक ये भाग मिला। लेकिन दो ऐसे क्षेत्र थे जिसका जो सीमा है कि वो भारत में गया है कि पाकिस्तान में गया, इसका निर्णय नहीं हुआ था। आज़ादी के दिन निर्णय नहीं हुआ था कि वो क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यानी भारत में गया कि पाकिस्तान में। वो क्षेत्र था पंजाब, पंजाब का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और बंगाल का कुछ थे, ये है पंजाब और ये हो गया बंगाल। यूं तो ये सारा बंगाल था, यानी इस क्षेत्र का सीमा और इस क्षेत्र का सीमा तय नहीं हुआ कि यह भारत में गया है कि पाकिस्तान में। आपको कहा गया, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे कहा गया इसको बाद में, यानी कि वो घोषित करेंगे यानी आजादी के बाद। आप ही बताइए कि 14-15 अगस्त की मध्य रात 1947, यही डेट को हम आज़ाद हुए थे ना रात में, इस डेट को घोषित कर दिया गया कि भारत आज़ाद हो गया,
तो सब लोग खुश, चलो भाई हम आजाद हो गए। ठीक है, ये भी घोषित किया गया कि भारत का विभाजन भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, विभाजन हो गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बिहार में आते, हम लोग खुश होंगे, चलो हम लोग आराम से आजाद हो गए, हम लोग बिहार में, हम लोग भारत में गए। खुश हैं कि नहीं खुश है? खुश है। ये लोग भी खुश, चलो हम आजाद हो गए और भारत से अलग हो करके हमारा एक अलग देश बना है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ये भी खुश, हम भी खुश, लेकिन वो खुश में तनिक का नाराजगी था कि भाई देश दो भागों में विभाजित हो गया। लेकिन आप बताइए, ये जो ब्लू कलर का जो क्षेत्र है पंजाब और बंगाल, ये जो क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों खुशी मनाएगा? खुशी कैसे मनाएगा? इसको खाली ये पता है कि जिस जो देश हमारा भारत है वो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद हम किधर गए? पाकिस्तान में गए कि भारत में गए, हमको कुछ पता ही नहीं है। इसको कुछ पता है? इसको कुछ पता ही नहीं था कि ये भारत में गया है कि पाकिस्तान में गया, ठीक है। अब ये खुशी मनाएगा ये बेचारा, ये बेचारा मान लो तो कि ये है, ठीक है। आप ही बताइए, इस क्षेत्र में मान के चलिए कि आप होते तो आप क्या मनाते? खुशी मनाते हैं कि क्या मनाते? आपको पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में गए कि भारत में गए, ठीक है। तो ये दोनों जो क्षेत्र थे खुश नहीं थे। अब जैसे ही खुश नहीं थे तो क्या हुआ, इन दोनों क्षेत्र में चूंकि सीमा निर्धारित ना होने के कारण सांप्रदायिक घटना होने लगा। सांप्रदायिक घटना, अब यहां से प्रश्न आता ना कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यो या यूं कहो कि जो भी धार्मिक चीज के आधार पर जब भेदभाव होता है, हिंसा होता है, वही आपको सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाना, झगड़ा होने के बाद ट्रेन को जला देना, बस को जला देना, यही सांप्रदायिकता है, ठीक है। तो पंजाब का जो खास करके जो दो शहर था, इस शहर में एक लाहौर एक अमृतसर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। और इस क्षेत्र में कलकत्ता, ठीक है, बंगाल से कलकत्ता, ये भी क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित रहा, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, विभाजन के दौरान कौन से प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित रहे? उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल जो है विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, अर्थात इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब कैसे झेलना पड़ा? चूंकि इसका सीमा तय नहीं किया गया आजादी के समय, ठीक है, इसको पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं कि पाकिस्तान में हैं, इसलिए यहां हिंसा होना प्रारंभ कर दिया। हिंसा होना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। वह इस प्रकार से हुआ कि बाकी लोग या तो इधर जाते थे या तो इधर आते, तब ये लोग कहां जाएगा? इसलिए अमृतसर में, लाहौर में क्या होने लगा? हिंसा, मार काट होना शुरू हो गया। आपने फिल्म देखी होंगे गदर, इसी हिंसा के वजह से कई कहानी बना, कई उपन्यास बना, कई फिल्म देखा, कई फिल्म बना। उस फिल्म में से एक देखे होंगे गदर, सनी देओल का, जिसका गाना ऊर्जा का ले कावा तेरा मुंह विच कन पावा, देखे कि नहीं देखे कमेंट करके बताइएगा। उस गदर फिल्म में देखिएगा कि ट्रेन पर किस प्रकार से लाश का ढेर आता है, आता है कि नहीं आता है, किस प्रकार खाली मारकाट चलता है हिंदू मुसलमान में, है कि नहीं। तो आप सोचे होंगे ना कि पूरे बिहार में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये पंजाब में कहल होता है, चूंकि इसका सीमे जो है वो तय नहीं किया गया था, इसलिए यहां मार्कर देखने को मिला। अंत अंत में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अंत अंत में पंजाब का भी विभाजन हो जाता है, तो आधा पंजाब चल जाता है पाकिस्तान में और आधा पंजाब चलाता है भारत में। अब पंजाब और लाहौर, अमृतसर और लाहौर का भी दूरी देखिएगा ना, मात्र 25 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो लाहौर है, ये लाहौर चल गया, जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर था, ये लाहौर चल गया पाकिस्तान में और अमृतसर चलाया भारत में। लाहौर पर कितना गाना भी आप लोग सुने होंगे, लग दी लाहौर दिया, सुने कि नहीं सुने? ये जो लाहौर जो शहर है अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। उसी प्रकार बंगाल में भी सांप्रदायिकता, ये जो घटना हिंसा, ये भी देखने को मिला, ठीक है। तो इसलिए जो आप फिल्म में देखे होंगे कि गदर में जो इस हिंसा में हिंसा हो, तो इसी कारण से हुआ था, आज आप समझ गए, ठीक है। अब
तो यहां तक समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। जो देश का विभाजन हुआ वह किस आधार पर हुआ, तो प्यारे बच्चों धर्म के आधार पर। वो कौन सा धर्म था, तो मुस्लिम धर्म। ठीक है, मुस्लिम धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन हुआ। इन दोनों क्षेत्र में मुस्लिम अत्यधिक रहती थी, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को आपको घोषित कर दिया गया पाकिस्तान। ठीक है, एक को पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान। जबकि और भी क्षेत्र में मुस्लिम लोग रहा करते थे, जैसे दिल्ली के आसपास, उसी प्रकार इस भी प्रांत में, इन दोनों प्रांत में हिंदू लोग भी रहा करते थे। अब समस्या आ गई कि इन लोगों का क्या, तो इन लोगों से कहा गया आपका जो इच्छा है आप वो करें। भारत में कहा गया मुस्लिमों को, यदि आपको लगता है कि भारत में सुरक्षित है तो आप भारत में रहिए, हम आपको सभी सुविधा देंगे, कभी जिंदगी में भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी भी कहे थे सभी लोगों को। इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई जो है आज भी हमारे देश में रुके हुए हैं, और आज तो हमारे कई मित्र भी हैं, है कि नहीं है, कई हमारे शिष्य भी, हमको काफी अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान थे जो भारत को छोड़ करके आपको पाकिस्तान चले गए। ठीक है, भारत को छोड़ करके कहाँ चले गए, तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान। तो यहाँ से भारत से छोड़ करके जा रहा है पाकिस्तान। और बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान में थे, इस क्षेत्र में थे, वो इस क्षेत्र से कहाँ चले आए, तो इस क्षेत्र से आ गए आपको भारत में। इसी प्रकार कोई इधर से मूव करके पूर्वी पाकिस्तान गया, और हिंदू को इधर से मूव करके आपको इधर आया। समझ गए समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब उलट फेर है, यानी स्थानांतरण। स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरी जगह। तो ये जो रहने का अब जो स्थानांतरण है, यानी समूह का, व्यक्ति का रहने वाला आवास का स्थानांतरण है, ये 1947 में जो हुआ था, पूरे दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा स्थानांतरण हुआ था। कितना स्थानांतरण हुआ था पता है? 80 लाख। लगभग 80 लाख लोग अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहे, चाहे वो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान गए, चाहे वो पाकिस्तान से छोड़ करके भारत आए। ठीक है, कितने लोग, ऑब्जेक्टिव में भी आपको आता है, लगभग 80 लाख। मैं यहां पर लिख देता हूं 80 लाख लोग क्या किए, तो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थानांतरण आपको कहलाता है। अब लोग जो है छोड़ करके रखने के लिए जा रहे, इसमें तो मारकाट भी होगा, हिंसा भी, बहुत खून खराबे भी होगा। अब इसी दरमियान जो है, इसी 80 में से देखिएगा कि लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 5 से 10 लाख लोग क्या हो गए, तो प्यारे बच्चों मर गए। अब जैसे आपको पाकिस्तान से हिंदू कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है ट्रेन के माध्यम से। अब सांप्रदायिकता के कारण क्या किया गया, तो सांप्रदायिकता के कारण जब मुसलमानों ने हिंदुओं को पूरे मार दिया, पूरा ट्रेन में बैठे सभी हिंदुओं को मार दिया। एक और ट्रेन में कम से कम 1000 लोग तो आ जाएगा, तो 1000 लोग स्वाहा एक झटके में। तो उसी प्रकार सोचिए कितना छोटा बड़ा आपको घटना हुआ होगा, कितना लोग मारेंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि मान के चलिए हमको लगता है कि आज़ादी से पहले इसका भी सीमा को तय कर दिया जाता, तो इतना घटना देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इस क्षेत्र में सिख भी लोग रहा करते थे, तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र विवादित क्षेत्र, मतलब कि बहुत पेचीदा हो गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और सिख होते। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो बंगाल का जो क्षेत्र था, यहां से जो मुस्लिम और हिंदू लोग थे वो मूव किए असम के तरफ, बिहार के तरफ, झारखंड के तरफ, इधर के इधर मूव किए। यानी यहाँ के लोग गए बसने, असम गए, बिहार गए, झारखंड इधर गए, और यहाँ के लोग इधर, पश्चिम पाकिस्तान के लोग गुजरात आए, राजस्थान आए, पंजाब इधर आए। ठीक है, तो इधर के लोग इधर मूव किए, इधर के लोग आपको इधर मूव किए। ठीक है, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जो लोग भारत से, जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, वो तो पाकिस्तान में गए बसे, जैसे बसे कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं जानना है। हमको ये जानना है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उसका क्या, क्योंकि वो लोग तो अपना घर द्वार छोड़ करके आया है। अब पाकिस्तान से वो अपना जमीन लेके आएगा, नहीं आएगा, घर लेकर के आएगा, नहीं लेकर के आएगा,
चौकी लेकर के आएगा, कुर्सी लेकर के आएगा, नहीं लेकर, बस बेचारा बदन पे कपड़ा, थोड़ा बहुत झोला में खाना पीना रोटियां, कुछ जरूरत के सामान वो लेकर के बेचारा आपको आया था, ठीक है। अब वो बेचारा लेकर के आया, अब भारत जब आया तो वो तो बड़ा दुविधा में फंस के, अब हम क्या रोजगार करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, बड़ा कठिन हो गया था। तो वैसे लोग जो लोग इस क्षेत्र से भारत आए वे कहलाए शरणार्थी। क्या कहलाए? शरणार्थी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान से अपना शरण लेने के लिए भारत आए वे क्या कहलाए? शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है, ठीक है। शरणार्थी आ गए, अब यहां पर आता है इनका पुनर्वास कैसे किया गया, ठीक है। तो आपको प्रश्न आता है कि शरणार्थी कौन थे? तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू जो अपने प्राणों की रक्षा खातिर भारत आए वे शरणार्थी कहलाए, अर्थात भारत में जो शरण लिए वे शरणार्थी कहलाए। इसका पुनर्वास कैसे किया गया, अर्थात इसको कैसे यहाँ पर स्थापित किया गया, यही है पुनर्वास, ठीक है। तो इसके पुनर्वास के लिए सरकार ने इसे रोजगार दिया। क्या दिया? रोजगार, जिससे वो अपने आजीविका चला सके। सरकार ने इसे मकान मुहैया कराया, ठीक है। सरकार ने जिसे रोजगार नहीं दे पाया उसे कुछ धन दिया जिससे वो अपना कुछ व्यवसाय कर पाए। तथा इनके साथ साथ सरकार तो कर्वे किया, साथ ही साथ हमारा जो समाज है ना भारत का, वे भी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। आसपास के पड़ोसी भी शरणार्थी को रोटी कपड़ा मकान दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से शरणार्थी का क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, पुनर्वास हो पाया। देखिए हम लोग कितने दिल के अच्छे आदमी भारतीय, इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीय जैसा पूरे दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शरणार्थी कौन थे, इनका पुनर्वास कैसे किया गया, इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। तो अब तक प्यारे बच्चों, अब तक मैंने बताया कि किस प्रकार किस प्रकार हमारा सॉरी हमारे देश का विभाजन हुआ। विभाजन तो अभी तो सिर्फ हम जगह का बताएं, आदमी का बताएं कि जगह में ये विभाजन हुआ, आदमी में हिंदू मुसलमान का हुआ, यहाँ तक विभाजन नहीं रुकता है। अली जिन्ना काफी निच्छर आदमी था। कैसा आदमी था? निच्छर, ठीक है। वह कहता है कि विभाजन सबका होगा। विभाजन किसका होगा? तो सबका होगा। पूरे देश भर में जो सरकारी कार्यालय है उसमें रखा हुआ कुर्सी, कुर्सी का भी विभाजन होगा। जो टाइपिंग मशीन है उसका भी विभाजन होगा। जो रेलवे है उसका भी विभाजन होगा। जितना भी राजकोष में पैसा है उसका भी विभाजन होगा। सरकारी कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है उसका भी विभाजन होगा। पाकिस्तान ने क्या किया? अली जिन्ना ने सबका विभाजन कर दिया। इसलिए तो प्यारे बच्चे कहा जाता है कि विभाजन बड़ा खराब होता है। विभाजन अच्छे अच्छे को तोड़ देता है, कमजोर कर देता है और किसी एक का पतन कर देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, दुनिया में सब कुछ करना मगर विभाजन कभी मत करना। एकता से बंधे रहना, चाहे वो भाई का हो, समाज का हो, मिलजुल करके रहिए। क्या लेकर के आए हो प्यारे बच्चों, क्या लेकर के जाओगे? चार दिन की जिंदगी, अच्छे से रहो, खुशी से जियो, खाओ पियो, व्यस्त करो, बात खत्म, ठीक है। तो विभाजन यही नहीं रुका, विभाजन सब चीज का हुआ, पैसा का, कर्मचारी का, टेबल का, कुर्सी का, मेज का, टाइपराइटर का, सब कुछ का विभाजन देखने को मिला। फर्क बस इतना रहा कि वो प्रतिशत के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि 50-50, अब भारत इतना बड़का, पाकिस्तान इतनी गो, तो जितना प्रतिशत था उस प्रतिशत के हिसाब से क्या हो, तो प्यारे बच्चों उसका उस प्रतिशत के हिसाब से विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे देश का विभाजन हुआ। तो मैं विभाजन को समझा दिया, विस्थापन किस प्रकार आपको हुआ, पुनर्वास कैसे हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। इसमें कितना प्रश्न मिला कुल मिला करके, जो सबसे भिविया है, द्विरा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, समझा दिए। शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे किया गया, समझा दिए, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रजवाड़ाओं का विलय, ये जो पॉइंट है, इसको काफी अच्छे से इसी प्रकार से समझाऊंगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से कर जाइए। पूरे साल का मात्र 1500 लगेंगे पांच विषय का, नहीं तो अंतिम में पछताइएगा। जब गैस क्वेश्चन खरीदेगा तो तभी 1000 रुपया देना ही पड़ेगा, जान जाए। इसलिए पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बस कॉल करना है, हमारा नंबर है 70। धन्यवाद।